हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हैप्पी टू हेल्प यू। आज मैं एक नया वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज का एक जो टॉपिक है, मेरा ही एक सब्सक्राइबर मुझे मेल किया था, वो LIC का एजेंट है, बहुत उसका अच्छा रिव्यू हमने देखा, तो फिर उसी का मुझे मेल किया था जो इस तरह का एक डेटाबेस बना दीजिए जहाँ पे हम पॉलिसी नंबर एंड नेम दोनों से सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कोई भी यूज़र, वो यूज़र भी यूज़र के पास ही वो रहेगा, वो अपने हिसाब से वो देख पाएगा। मान लीजिए कोई यूज़र पॉलिसी नेम से उसका डेटा सर्च करना चाह रहा है, ठीक है, पॉलिसी नंबर से वो देख पाएगा, उसके बाद पॉलिसी नेम से भी सर्च कर पाएगा, वो उसका कितना लास्ट मंथ कितना पेमेंट है, पॉलिसी नंबर क्या है और उसका नाम क्या है, वो जो जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक को आप दिखा पा रहे सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ पूरा जो एप्लीकेशन कैसे काम किया जाता है और डेटाबेस भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर इस चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को अपडेट रखिएगा, तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो यहाँ पर आपके पास सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, तो भी मुझे भी अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग में मेरा वीडियो पसंद कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी मतलब आप वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, कोई भी एक्सेल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो फिर मुझसे फ्री ऑफ कंसल्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मैं व्हाट्सअप से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो डेटाबेस है इस तरीके का आपको मेंटेन कर, मान लीजिए आप एक LIC एजेंट है, ठीक है, LIC को एजेंट इसको मेंटेन किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपका कस्टमर का नेम रहेगा, पॉलिसी नंबर रहेगा, वहाँ पे कितना कितना लास्ट मंथ का फीस दिया है, मतलब लास्ट मंथ का जो पेमेंट उसका था वो आपने यहाँ पे दे दिया है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सर्च करते हैं, 1 2 3 सत्यजीत चैटर्जी, इसमें 1 2 3। तो चलिए मैं एक बार शुरू करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसी नेम से, पॉलिसी नंबर से 1 2 3 मैंने यहाँ से सर्च किया हूँ। सर्च करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सत्यजीत चैटर्जी जैसे यहाँ पे दिखा रहा था इस तरीके से वो आ गया है। उसके बाद जनवरी फरवरी एंड मार्च वो यहाँ पे दे दिया गया है, उसका पॉलिसी नंबर भी दिया है। ठीक है, मान लीजिए उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है उसके बाद उसका पॉलिसी नंबर हर वक्त याद नहीं रहता है, तो नाम से सर्च कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं राजू रॉय को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, राजू रॉय, देखिए मैंने यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा हुआ, तब भी डेटा काम करना चाहिए। ठीक है, देखिए सर्च कर रहा हूँ, नहीं सर्च हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी नंबर ऊपर में दिखा रहा है, आपको यहाँ पे नेम में सर्च करना पड़ेगा, नेम से सर्च कर रहा हूँ तभी जाके काम करेगा ना। तो फिर यहाँ पे फिर से सर्च किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं राजू रॉय यहाँ पे आ गया, मगर यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पे आप मान लीजिए एक स्पेस दे दिया हूँ, यहाँ पे देख सकता हूँ काम कर रहा है कि नहीं, तब भी काम कर रहा है। मैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करके कर लेता हूँ, पॉलिसी नेम राजू रॉय एक्सपेस डाल दिया, अभी देखता हूँ तब भी काम कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी स्पेस डालेंगे तब भी काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिम ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका नाम से भी सर्च करते हैं, पॉलिसी नंबर से भी सर्च किया जा सकता है। ओके, और एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको LIC करवाना है तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, वो ट्रस्टेड पर्सन है, वहाँ से आप कर सकते हैं LIC, घर बैठे आप पेमेंट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट LIC में जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, और इस वीडियो को अगर चाहिए तो फिर प्लीज़ मुझे जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी LIC एजेंट हो तो फिर यहाँ से इस एप्लीकेशन को आप बना सकते हैं, बना के आप यूज़र को दे सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना देर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, धन्यवाद।